इन सब पर कृपा तो गुरुजनों की है। तो कुम्मन दास जी उन पर कृपा गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी की, उनके गुरु। तो एक बार, आज भी ऐसा नियम है नाथद्वार में कि गुसाई विट्ठलनाथ जी जो कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। अब देखो हमको कई बार क्या है कि अब जब नई जगह जाते ना थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है चीजों को। अब यही कथा अगर ब्रज में हो, रसिकों के बीच में हो, तो उनको पता है तो वहां सीधी सीधी चले, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रीफ देना पड़ता है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीनाथ जी को विराजमान तो किया, श्री जी बाबा को विराजमान तो किया, परंतु उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन और भक्ति का विस्तार में ज्यादा समय दिया। ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग की सेवा इतनी ज्यादा प्रारंभ नहीं की, परंतु जब सेवा में गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी पधारे, उन्होंने राग भोग और श्रृंगार ये तीन प्रणालियां प्रारंभ कर दी ठाकुर जी की सेवा में। राग नहीं तो भोग, भोग नहीं तो श्रृंगार, तीनों भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करो। तो गुसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र श्री कुम्मन दास जी, कुम्मन दास जी का चरित्र आता है बीच बीच में हम सुनाएंगे जो जो भाव लगेगा। तो श्री कुम्मन दास जी को आज पता चला कि गुसाई विट्ठलनाथ जी का आज जन्मदिन है, और गुसाई विट्ठलनाथ जी के प्रादुर्भाव दिवस पर आज भी नाथद्वार में जलेबी उत्सव होता है। पूरे नाथद्वार में जलेबियां, उसका नाम ही जलेबी महोत्सव है। जलेबी महोत्सव मतलब गुसाई विट्ठलनाथ जी का जन्मदिन है आज, तो जलेबी महोत्सव। सब लोगों ने दुनिया भर के सामग्रियां ठाकुर जी की सेवा में अर्पित की। सब शिष्य परिकर अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव में कुछ ना कुछ भाव रख रहे थे, परंतु कुम्मन दास जी बड़े उदास, क्या करें, क्योंकि कुम्मन दास जी के घर में बड़ा अभावग्रस्त जीवन था। कुम्मन दास जी का, उनके सात तो पुत्र ही थे कुम्मन दास जी के, और फिर उसके बाद भी उनकी एक विधवा भतीजी संग रहती थी। परिवार बहुत बड़ा था कुम्मन दास जी का, घर में खाने वाले बहुत थे, लेकिन खाने को लेने नहीं था। यही तो चल रहा है संसार में, किसी घर में खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है, किसी घर में खाने को बहुत है, खाने वाले दो ही हैं, कुछ भी नहीं है। तो कुम्मन दास जी का जीवन ऐसा ही था, उनके घर में खाने वाले तो बहुत, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन कुम्मन दास जी बड़े चिंतित कि आज गुसाई जी का जन्मोत्सव और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुम्मन दास जी के पास एक गैया थी बस, उसी का दूध निकाल के उसकी सेवा करते थे, कुछ सामग्री बना के श्री जी बाबा को अर्पित करते थे। तो कुम्मन दास जी ने आज अपनी गैया को दान कर दिया, बेच दिया किसी को, थोड़ी बहुत जो राशि मिली वो राशि ले जाकर के कुम्मन दास जी ने गुसाई जी के जलेबी उत्सव में प्रस्तुत कर दी। सब भक्तों के भाव गुसाई जी को पता चले, लेकिन जैसे ही किसी वैष्णव ने जाके बताया, बोले महाराज आज कुम्मन दास जी ने भी सेवा अर्पित किया। बोले कुम्मन दास, कुम्मना पे इतनो धन कहाते आयो भैया, कुम्मन दास तो बड़ा अकिंचन है, वाने कहां से सेवा करी। गुसाई जी को चिंता हो गई। गुसाई जी ने जब जांच करवाई तो पता चला कि कुम्मन दास ने अपनी गैया बेच दई और वासे एक ब्रजवासी से कछु धन मिलो वो लगाए हुए। गुसाई जी कुम्मन दास जी को बुलाए, कुम्मन दास जी आए, जय जय प्रणाम, दंडवत प्रणाम करी। जैसे ही आके कुम्मन दास जी बैठे, कुम्मन दास जी के मुख को देखते ही गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, कहा भयो, आप इतने उदास क्यों हो, आपके आपके नेत्रन में या अश्रुबिंद, जय जय कोई श्रम है गो हमारी वजह से, ब्रजवासा समझ रहे हो, समझना। अब बुलाया जब श्री जी के भाव के लिए तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोली अश्रुबिंद क्यों। गुसाई विट्ठलनाथ जी बोले, कुंभना कहा आवश्यकता ही, इतने वैष्णवन ने सेवा कर तो दई,
फिर तेने अलगते अपनी गैया कोई ब्रजवासी को बेच के ये रुपया ला करके तेने सेवा में काई को लगाए हो। जब तो पता है तेरे घर की स्थिति इतनी बढ़िया ना है तो फिर जरूरत थोड़े ही और जरूरी थोड़ी है कुंभना कि धनते ही सेवा करी जाए, मनते भी तो होवे, तनते भी तो होवे और मन और तनते तो तू पूरी पूरी करे। जरूरी थोड़ी तू धन की सेवा देवे के काजे ये सब करेगो, तेने गैया काई को बेच दी अपनी। कहा है गौवाते उत्सव तो यथावत अपने रूप में रहे हो, तेने गैया क्यों बेकी। कुमनदास जी मंद मुस्कान लगे और कुमनदास जी ने आज गुसाई विठलनाथ जी से कहा, बोले कि जय जय मेरी वा करणी को ये फल कि मेरे गुरुदेव के दोनों नेत्रन से ये अमृत बिंदु प्रकट भय मेरे काजे। मेरे पर दीन भाव रख के, दया भाव रख के मेरे गुरुदेव के नेत्रों से ये अमृत बिंदु मेरे काजे प्रकट भय, मुझे लगे कि वो करनी से आज मेरा उद्धार है गयो, कल्याण है गयो। आपने जो ये व्यक्ति का सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है व्यक्ति के पास, उसके अश्रु बिंद। सबके लिए प्रकट नहीं होते बंधु, सदैव व्यक्ति अपने लिए ही रोता है, उसको जो चाहिए ना मिले, उसके साथ जो हो रहा है उन परिस्थितियों की वजह से वो रोता है। दूसरे के लिए अश्रुबिंद प्रकट होना ये बहुत कम होता है, लेकिन आज कुमनदास जी बोले मेरे गुरुदेव के नेत्र सजल भय मेरे काजे, मेरो तो उद्धार आज ही है गयो। यदि अभी मेरे प्राण निकल जाएं तो निश्चित है कि मोकु श्यामा श्याम की गोद प्राप्त होगी। क्यों? मेरे गुरुदेव ने आज दया करके मेरे ऊपर दीन भाव से नेत्रन से अश्रु बहाए। नाथ भले ही मेरी करणी आपको अनुचित लगी हो पर मेरी या सेवा से आप मेरे प्रति दया भाव रख रहे हो, मेरो कल्याण तो यही ते है क्यों बंधु। ऐसे भाव ये श्री जी को प्रिय लगते हैं। सब भक्तों की श्रृंखला देखी जाए और उनके अंतरंग भावों को जब देखा जाए तो हम दूर दूर तक नहीं है उनके समीप में, दूर दूर तक भी हमारा कोई समागम नहीं है, हम स्पर्श तक नहीं कर सकते उनके भावों का। मीराबाई हो, कुंभनदास हो, सूरदास हो, इन सब की योग्यता ही यही है, ये श्यामा श्याम को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारे यहां पत्नी भी हमारी, बच्चे भी हमारे, सब कुछ हमारा, उसके बाद ठाकुर जी भी, हाँ ये भी हमारे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, और हमने तो 25 बैठा रखे, प्रेम गली में घुटन है जाएगी ठाकुर जी को, जामेंगे ही ना। बंधुओं ये बातें ना सुनने में बड़ी आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन ब्रजरस भैया है ही अटपटो, वहां श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कुछ भी यदि आप लाना चाहोगे तो वे सबसे पहले चले जाएंगे। कुमनदास जी के 7 पुत्र मैंने बताए ना, परंतु उनसे कोई पूछता तो वो बोलते 1.5 पुत्र हैं मेरे। क्यों? बोले एक तो चतुर्भुज दास जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे ये पद गाया, आज सुबह हम सुना रहे थे, ये पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया। तो 1.5 पुत्र कैसे, एक पुत्र छोटा था क्या? बोले नहीं, एक पुत्र में सेवा तो इतनी नहीं थी पर मंदिर के वैष्णवों की थोड़ी सेवा, गौशाला की थोड़ी सेवा वो करता था, इसलिए उसको आधा पुत्र मानते थे। बाकी के श्रेष्ठ पुत्र थे लेकिन भगवत भजन नहीं करते थे, इसलिए कुंभनदास जी उनको स्वीकार नहीं करते थे। देखो ऐसे कुंभनदास जी, हम लोग हो सकते हैं ऐसे? हम लोग कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं पहले ही कह दूं, ये कथाएं चर्चाएं सुनने तक ही सीमित रखना, अगर लागू करने पर आए ना अपने ऊपर तो जी नहीं पाओगे संसार में। आज वृंदावन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वृंदावन रीति से यदि कोई चला गया तो वृंदावन से वापस नहीं जा पाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कथा चल रही थी, वहां मुझे स्मृति आई, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे,
लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? वो कहते मैं अगर वृंदावन गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए गोरखपुर में ही वृंदावन प्रकट कर लिया। तो वृंदावन सांचो धन भैया, ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको कमा लिया तो फिर और कुछ कमाने लायक बचोगे नहीं। कोई व्यक्ति चाहे मैं बनारस में भी रहूं और मैं बिजनेस भी करूं और वृंदावन भी मेरे चित्त में रहे, संभव ही नहीं है। वृंदावन आया तो सब जाएगा, और सबके संग वृंदावन को आप रखना चाहते हो, ये असंभव है, असंभव। कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जो डेढ़ पुत्र बोलते तो आधा पुत्र जिसको मानते थे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी ने जाके बताया तो कुम्मन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग बोले ये कैसे भक्त, बहुत कहते थे कि मुझे पुत्र पुत्रियों से मोह नहीं, मुझे परिवार से मोह नहीं, आज किसी ने आके बताया पुत्र की मृत्यु हो गई तो कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। कहां गए आप भजन, कहां गए श्री जी बाबा, कहां गए ठाकुर जी की सेवा, आ गया पुत्र मोह, हो गया प्रकट। सब गए, सब आश्चर्य इस बात का ज्यादा कर रहे हैं कि कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। इन जैसा भगवतीय भक्त जो कभी भगवान के विमुख अलग कोई बात ही नहीं करता, आज सांसारिक चर्चा पे इतना मोहित। गोसाई विठलनाथ जी को जब पता चली कि कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए तो बड़े दुखी हुए, लेकिन दूसरी खबर जब मिली कुम्मन दास मूर्छित हो गए पुत्र विरह में, गोसाई जी बोले मैं मान ही नहीं सकता, ये स्वीकार्य नहीं है बात। कुम्मन दास पुत्र विरह में मोहित होकर के मूर्छित नहीं हुआ। जैसे ही गोसाई जी आए, गोसाई जी ने देखा कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे, गोसाई जी ने समीप जाकर के कहा कुम्मना, ए कुम्मना चल जल्दी उठ जा, तू चिंता मत करे, तो कुछ सूतक में भी श्री जी के दर्शन करा दूंगा। इतना सुनते ही कुम्मन दास जी खड़े हो गए, जय हो, बस ये यही तो चाहिए हो महाराज, या हमारे मूर्छित भय कि पुत्र मर गया मतलब सूतक लग गए, अब मैं 7 दिन 13 दिन दर्शन कैसे करूंगा श्री जी बाबा के। उनको इस बात का विरह कम है कि पुत्र चला गया, इस बात का विरह ज्यादा है कि श्री जी दर्शन नहीं होंगे। यहां जितने लोग बैठे हैं बंधुओं, ये जितनी घर की आपकी चिंताएं भरी हुई है ना, क्यों? क्योंकि घर को हमने प्रायोरिटी दे रखी है। कुम्मन दास जी को देखो, पुत्र चला गया लेकिन उनको विरही नहीं है, वो व्याकुल भी इसलिए हैं कि मैं श्री जी के दर्शन कैसे करूंगा। गोसाई जी ने आकर के सबको बता दिया, बोले हो गया संशय दूर, कुम्मन दास पुत्र के लिए व्याकुल नहीं है, उसकी तब भी व्याकुलता यह कि कहीं श्री जी के दर्शन नहीं छूट जाए। इसलिए कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया।